हेलो गाइज, आज हम बताएंगे कि कैमरा के सामने बेहिचक कैसे बात करें, कैसे वीडियो बनाए, बेहिचक कैसे बोले। अगर आप फर्स्ट बार वीडियो को बनाना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत परफेक्ट है। अगर आपको कैमरा से डर लगता है, कैमरा से भाग रहे हो पीछे, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आज 5 स्टेप में बताने लूँ आपको कि 5 स्टेप अगर फॉलो कर लें तो आप कैमरा के सामने बेहिचक बात कर सकते हो बिना डरे। अगर आप डर लग रहे कैमरा से तो भाई ये वीडियो में आप रुक जाओ, 5 मिनट भी रुक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं वीडियो में क्या कहना चाहता हूँ, आपको कैमरा को कैसे फेस करना है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर बताने वाला आपको। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टेप स्टार्ट करता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। ये मत सोचो यार, जब आप वीडियो बनाओगे तो ये सोचते हो कि हम वीडियो बनाएंगे तो लोग मेरे को क्या कहेंगे। लोग यार, लोगों को बीच में क्यों ला दो यार, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा लाइफ, तुम अपने लाइफ में हंसी खुशी से दुखी से सब में तुम अकेले हो, तो लोगों को बीच में क्यों लाते हो, अपने काम में बाधा अड़चन क्यों लाते हो, लोगों को अपने सक्सेस के रास्ते में लोगों को क्यों लाते हो। हाँ यार, लोगों को बातों को इग्नोर करो यार, लोग क्या कहेंगे ये कहेंगे मत सोच ब्रो। तुझे जो करना है अपने लाइफ में, तुझे करना है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे जिंदगी में नाम कमाना है, तुझे अपने घर को पालना है, जो चीज करना है तुझे, लेकिन लोगों को बीच में क्यों लाते हो। आज मैं इसका आंसर दे दूं, जो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, इसका मैं आज करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। देखो, अगर तुम अगर कल मर भी जाओगे ना, तो लोग अगर खाना खाने आएंगे तुम्हारे 13वें दिन के बाद, तो पता है लोग क्या कहेंगे, अरे यार लगता है कि सब्जी में नमक थोड़ा कम हो गया भाई, वहां पर वो कमी निकालना नहीं छोड़ेगा यार, तुम लोगों की बात क्यों कर रहे हो यार। जब तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे खाना खाने आएंगे तो उस टाइम भी भैया लगता है नमक कम लग रहा है इसमें, थोड़ा और नमक दे, उस टाइम भी आपको कमी निकालेंगे लोग। अगर आप लोगों के बीच में अगर 2 महीना 4 महीना अगर गायब भी हो जाओ ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लाइव जिंदगी में हो, तुम जी रहे हो, जिंदा हो, मर रहे हो, 4 दिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं उसका कुछ रुकेगा, नहीं किसी को कुछ जाएगा। इसलिए लोगों का टेंशन लेना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात। आपको आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर चलते हैं दूसरा टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक ये है कि आप खुद को बेस्ट मानो। मतलब इस दुनिया में पता है 8-9 अरब दुनिया में वर्ल्ड में लोग हैं, ओके, आप सबसे यूनिक हो यार, आप सबसे अलग हो, आपका एक फिंगरप्रिंट किससे नहीं मिलता, आपका एक रेटिना किससे नहीं मिलता, तो भाई तुम अलग लोगों से कंपैरिजन क्यों करते हो, तुम बेस्ट हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम जो चीज़ कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, ये बात को क्यों नहीं समझते हो यार। लोगों से कंपैरिजन मत कर, वो लोग का वीडियो बना रहे यार, वो कितना अच्छे स्पीच दे रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसका प्रैक्टिस है 4-5 साल का, वो काम कर रहा है यूट्यूब पर। तुम अगर फर्स्ट बार आए हो तो तुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट से प्रैक्टिस कर, तुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लोग क्या मतलब, ये कंपैरिजन करना बंद कर दो दोस्तों, मत खुद को किसी से कंपैरिजन मत करो, बस ये सोचो कि हम दुनिया इतना बड़ा वर्ल्ड है, 8-9 अरब वाली दुनिया, इसमें सिर्फ मैं अकेला हूँ, जो कि मेरे से मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप अकेले हो, ढूंढ के देखो तुम्हारे फिंगरप्रिंट किससे मिलता है, तुम्हारा रेटिना किससे मिलता है यार, तुम्हारे कुछ भी किससे नहीं मिलेगा, तुम यूनिक हो। इस बात को तुझे गर्व होनी चाहिए, इस बात को तुझे घमंड होनी चाहिए कि मैं जो हूँ मेरे अलावा कोई कुछ नहीं, जो मैं कर सकता हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरों के बराबरी मत यार, उससे नेक्स्ट लेवल की उसका नेक्स्ट सीखो, लोगों को देख करो, ऐसा मत करो यार लोग ऐसा कर नहीं कर पा रहे, उससे ज़्यादा करोगे तुम, बस ट्राई तो करो, करने की कोशिश करो, बस स्टार्ट तो करो। स्टार्ट नहीं करते लोग, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट करना शुरू कर दो तो अपने आप करना स्टार्ट कर दोगे। पता है जो चीज़ काम करते हैं ना लोग, उसी की चीज़ के बारे में उसके उसके पास आइडिया आता है। अगर जो अगर किसी क्रिएटर के पास जाओगे तो क्रिएटर वाले आइडिया तुझे देंगे, या फिर किसी ब्लॉगर पास जो ब्लॉगर वाले आइडिया देंगे, मतलब जो चीज़ काम करता है ना उसी के पास उसका दिमाग वही चीज़ चलता रहता है, अब आगे क्या करना है। इसलिए तुम शुरू तो करो, तुम्हारे पास सारा चीज़ आ जाएंगे, तुझे बोलने का तरीका आ जाएंगे, तुझे क्या करना है टोटल चीज़ समझ। हम भी पहले बार स्टार्ट करते ना, हम सोच रहे भैया आज पहला वीडियो बनाए तो बनाए क्या, अगर बोले तो बोले कैसे, अगर पहला वीडियो बनाए दूसरा टॉपिक कहाँ से लाए, टोटल चीज़ अब ऑटोमेटिक आ जाता है, बस स्टार्ट करने में देरी होती है। अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं हो तो स्टार्ट कर दो, ओके। अब 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, अब तीसरा स्टेप ये कि कैमरा से दोस्ती कर लो। हाँ दोस्त, कैमरा को दोस्त बनो यार, मैं कह रहा हूँ ना, अगर कैमरा के सामने अगर तुम बोलते रहो ना तो कुछ दिन प्रैक्टिस करते करते तो कैमरा से तुझे प्यार हो जाएगा। अगर कुछ दिन कैमरे को नहीं देखोगे, कैमरे के सामने वीडियो नहीं बनाओ, तो यार सोचोगे लगता है काफ़ी दिन से कैमरे के सामने नहीं गए, मतलब कैमरा से बोलते बोलते से प्यार हो जाएगा यार। देखो कैमरा क्या है ना, उससे तुम कुछ भी बोलो, उसके सामने गाली दो, चिल्लाओ, मारो, पीटो, कुछ नहीं बोलो, चुपचाप सुनता है आपका, चुपचाप आपके बातों को सुनता है, चुपचाप आपके बातों को रिकॉर्ड कर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ नहीं, उसको कैमरा से बात करनी चाहिए लोगों को यार।
कैमरा बहुत अच्छा है, उससे बात करना बहुत मतलब कोई दिक्कत नहीं, नहीं वो तुझे रिप्लाई देगा, नहीं कुछ कहेगा, उससे बात करो, जो भी बोलना, जो भी दिल में, जो भी मन में, जो भी तुम सोच रहे हो सारा चीज बोल दो कैमरा के सामने, और कैमरा को लेंस को देखकर बात करो, तब ऐसे लगे कि हाँ कि हम किसी ऑडियंस को देखकर बात करें, आप कैमरे को लेंस को देखकर बात करो, ऐसा नहीं कि कैमरा को वहाँ आप डिस्प्ले को देखकर बात करो, ऐसा नहीं करना, आपको कैमरा को देखकर बात करना है। ओके और ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गया, आप चौथा स्टेप की बात करते हैं। अब चौथा स्टेप है कैमरा के सामने हमें प्रैक्टिस करना है। हाँ बिल्कुल सही बोला कि कैमरा के सामने प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो अगर आप जब पहली बार वीडियो शूट करते हो ना, तो आप कहीं भी एक बंद रूम में, फिर कहीं आउटडोर बाहर जा करके आप कैमरा के सामने वीडियो शूट करो अकेले में। आप फर्स्ट वीडियो शूट करो उसे डिलीट मत करना, मैं गारंटी के साथ उसे डिलीट करना ही नहीं है। आप एक दिन में लगभग मतलब एक इसी जो चीज आप करना चाहते हो उसी पर आप लगभग 4, 5, 10 वीडियो आप शूट करो। ओके किसी को डिलीट मत करो, 10 वीडियो पहले एक बार शूट कर लो, एक ही टॉपिक पर एक ही जो चीज बोलना है आपको प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद अगर जब आप फर्स्ट वाले वीडियो को और आखिरी 10वीं वाले वीडियो को देखोगे ना, आपको खुद पता चलेगा भाई फर्स्ट वाला मेरा वीडियो कैसा है और आखिरी वाला वीडियो मेरा कितना उसे कई गुना बेहतर होगा। इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम भी वीडियो बनाते थे स्टार्टिंग टाइम पे, तो मुझे एक नहीं 4, 5 वीडियो बनाना पड़ता था, मैं उनमें से एक वीडियो में चुनते थे, तो मेरा एक वीडियो में करेक्ट कर उसे एडिटिंग के लिए मैं भेज दिया करता था। इसलिए आपको स्टार्टिंग टाइम पर प्रॉब्लम्स होगा, ज्यादा दिन नहीं, आप 15 दिन प्रैक्टिस कर लिए, 10 1 सप्ताह कर लिया ना, तो आप ऑटोमेटिक आप तुझे प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कर लोगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टार्टिंग टाइम पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो अब पांचवा और आखिरी आखिरी स्टेप ये है, अपने फैमिली एंड दोस्तों से फीडबैक लिया करो। मतलब कि अगर तुम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, जो भी बनाते हो, तो उसे अपलोड कर लिया करो, ठीक है। अपलोड करने के बाद अपने दोस्तों से पूछो, भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है, तो वो बोलेगा दोस्त है तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको बोला कि नहीं ठीक है ये अपने दोस्त के तहत, मतलब आप इससे कमी बताओ हमें, दोस्त हो तो हाँ हाँ मतलब इसमें कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं इसमें कहाँ गड़बड़ कर वो हमें बताओ, उसे ऐसा बोलना। दोस्त है तो बोले हाँ ठीक है यार, ठीक वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो, लेकिन उसको बोले कि नहीं इसमें कमी निकालो, खोट बताओ हमें इसमें कहाँ दिक्कत है, मैंने कहाँ गड़बड़ी किया, उसे कमियां पूछो, क्योंकि कमियां अगर जब कोई बताएंगे ना, उसे तुम रिकवर करोगे, उसे पूरा करोगे, कमियों को आगे से गलतियां नहीं करोगे। ऐसा बस यही पूछना है दोस्तों, भैया कमी मेरा बताओ, इस वीडियो में मैंने क्या कमी किया है। बस अब इतने से 5 स्टेप फॉलो करो तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो कैमरा के सामने एकदम बहुत अच्छे से फेस करवाओ कैमरा को। तो भाई सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है, जो 5 स्टेप बताए ना, 5ों स्टेप में से आपको पहला स्टेप सबसे मेन स्टेप है कि लोग क्या कहेंगे। यार लोग 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 मेरा दिमाग खराब होता है, लोग क्या कहेंगे ये वर्ड सुनकर, मैं नहीं बोलना चाहता, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बोल दिया, या फिर बोलूंगा तो फिर बोलते रह जाऊंगा तो मेरा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, इसलिए उसके बातों को ध्यान मत दो, लोग क्या कहेंगे, बस आपको अपना काम पे ध्यान रखना है, बस अपने काम करना है, जो भी तुझे करना है वो भी करना है तुझे, और ठान लो कि हमें करना है तो करना है, छोड़ना नहीं बीच में, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, एक एक करके आगे बढ़ो। वक्त लगता है भाई, सक्सेस होने में टाइम लगता है, सक्सेस में टाइम देना ही पड़ेगा, किसी भी चीज़ ऐसा नहीं कि इसमें टाइम, सब चीज़ में टाइम लगता है वक्त। सो मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा वरना मेरा वीडियो और लंबा हो सकता है। सो अगर आप लोग नया चैनल स्टार्ट किए हो तो अगर आप करना चाहते हो, तो मैंने बहुत सारे उस टाइप के वीडियो बना चुका है जो कि चैनल के रिलेटेड है, जो भी टॉपिक्स आपको मन में है, जो जिस टॉपिक से आपको जो भी प्रॉब्लम्स, हमें कमेंट कीजिए कि मुझे इस टॉपिक में समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर हमें क्या करना, तो उसके रिलेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, और वहाँ का मैं सोल्यूशन आपको कोशिश करूँगा 100% आपको सोल्यूशन दूँ। ओके सो फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।